आदित्य, कैसे हो आप सब लोग। एक और शानदार वीडियो आपके सबके लिए लेके आ गए और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बड़ी भर्ती। दोस्तों सबसे बढ़िया बात बिहार में ये है कि आपको सबसे ज़्यादा सैलरी जो दी जाने वाली है वो बिहार में दी जाने वाली है और सबसे अच्छी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वहाँ पर अकॉर्डिंग जो काम होता है CHO के वो वहाँ पर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, जिसमें आपको सैलरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों 50 के आसपास आपको सैलरी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। डियर साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बिहार में बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों 2000 के आसपास वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आप लोग देखेंगे डियर साथियों, इसमें सब कुछ अपडेट मैं आपको लिए बता रहा हूँ। अभी अभी जो अपडेट आया दोस्तों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने वाले हैं बहुत सारी संख्या में और उसके लिए आप सबको पता है दोस्तों वैकेंसी हमेशा ज़्यादा ही आती हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, जिसमें से आप लोग चाहते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरी ड्यूटी हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें आपसे चॉइस भी पूछा जाएगा। 13,000 से अधिक जाएगी सूबे में केंद्रों की संख्या। दोस्तों पहले से ही आप सबको पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बिहार में हैं और उनकी संख्या अब 13,000 से भी ज़्यादा हो जाएगी सभी को मिला करके। और दोस्तों जैसा आप सबको पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ये जो फील्ड में काम करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर काम करते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे बिहार में हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने दोबारा से वैकेंसी निकालने की बात कही है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की बात कही है। जैसा आप लोग देखेंगे दोस्तों 1293 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने से लोगों को अपने घरों के नज़दीक उपचार की सुविधा मिलेगी। जल्द ही 1200 और केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये संजय कुमार जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बोला है। दोस्तों अभी देखिए, जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे यूपी में CHO वैकेंसी कब आएगी और स्टाफ नर्स की कब आएगी, तो देखिए यूपी में अगर बात की जाए स्टाफ नर्स की वैकेंसी चल रही है। अभी फॉर्म निकल गए थे, कंप्लीट हो गए UPSC के, KGMU का था और अभी जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आएगी। ठीक है दोस्तों, सत्र रहेगा देखिए मार्च के आसपास, यानी कि ये वैकेंसी अभी आ सकती है और उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा वो मार्च अप्रैल इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेनिंग हो सकती है वो यूपी वालों के लिए वो जनवरी फरवरी में हो सकती है वैकेंसी आएगी तो, क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी आई थी तो उसकी ट्रेनिंग हुई थी सर्दियों में दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी अभी आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों नए कैंडिडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।